जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम एग्जाम में। साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं आगे, आप लोगों की दिल्ली होमगार्ड भर्ती का फॉर्म अगर आप लगाना चाह रहे हैं, लगा चुके हैं, तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पे फिजिकल का अब आप इंतजार करेंगे कि सर फिजिकल हमारा कब होगा, फिजिकल में क्या होगा, कितना हमारा मुश्किल यहाँ पे फिजिकल इस बार है, और मेरे भाई कैसे पास होगा फिजिकल, और अन्य राज्य वालों के लिए भी यहां पे मैं खबर छोटी सी बताने वाला हूं। तो सभी साथी जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक बने रहेगा। इस YouTube चैनल पे आपको एक एक 100% सही जानकारी मिलती है। मेरे भाई लोग बहुत हैं YouTube पे वीडियो बनाने वाले, लेकिन 100% प्योर जानकारी आपको यहां से मिल रही है। मेरे साथियों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। कोई भी अगर आपका डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे। देखो इतने ज्यादा मैसेज कॉल आ चुके हैं, हम तो उसका पूरा जो है रिप्लाई भी जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी टीम जैसे ही आपका भाई किसी भाई ने मैसेज कर रखा है रिप्लाई नहीं मिला है, तो आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि मेरे भाई एक कैंडिडेट व्हाट्सएप का लिए अलग से लगा रखा है जो आपका व्हाट्सएप हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई समय लगेगा चीजों में, लेकिन सबका रिप्लाई दिया जाएगा, चिंता ना करें। ठीक है, सबसे पहले यहां पे हम डिस्कस करेंगे फिजिकल से। पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, जो साथी तैयारी करना चाहते हैं दिल्ली होमगार्ड की, तो आपके लिए स्पेशल बैच आ चुका है, क्योंकि मेरे भाई तैयारी जल्द शुरू कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही आप लोगों की सारी चीजें करवा ली जाएंगी। इस भर्ती में ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। वर्दी बैच हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं। 10,285 पदों पे आपकी ये जो भर्ती है ये होनी है। बाय स्टडी ऐप पे BYSTUDY ये एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। दिल्ली होमगार्ड भर्ती के लिए आप लोगों का स्पेशल अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 399 में कोर्स आपको ये अवेलेबल रहेगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ एग्जाम तक आपका कोर्स करवाया दिया जाएगा। ये जो यहां पे नंबर दिख रहे हैं, ये नंबर मेरे हैं, ये बीरबल सर के हैं। जिस भी नंबर पे चाहो आप व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हो। ऑफलाइन अगर तैयारी करना चाहते हो तो भी आप ऑफलाइन हमारी अकेडमी में फिजिकल एग्जाम सबकी तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो ये हमारे नंबर है, इस पर संपर्क आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में पहले साथियों मैं बात करूं यहां पे आप लोगों की, आगे मेन मुद्दे की बात, अदर स्टेट वालों की भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम फिजिकल के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होगा और कितना मुश्किल। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसमें यहां पे काफी साथी पूछ रहे सर फिजिकल में क्या क्या होगा, हमें तो सिर्फ ये बता दीजिए, हमें तो सिर्फ ये बता दीजिए कि फिजिकल जो है उसमें क्या क्या होने वाला है। तो मेरे भाई यहां पे देखो, यहां पे देखो आप लोगों के लिए शारीरिक माप एवं क्षमता परीक्षण PMT केवल यहां पे आप लोगों को जो पास होने के लिए है, सिर्फ पास मार्किंग है, कोई नंबर वगैरह यहां पे नहीं मिलेगा। यहां पे देखो शारीरिक माप योग्यता जो है आप लोगों की, सबसे पहले 165 सेंटीमीटर अगर आप पुरुष हैं, अगर आप पुरुष हैं तो यहां पे आपकी 165 सेंटीमीटर जिसकी भी हाइट है वो आप लोगों का यहां पे अप्लाई कर दे, इस फॉर्म को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखो महिलाओं की पहले 150 ली जाती थी, लेकिन इस बार 152 कह दे, बोल छोटे कद की ना चाहिए, धरती से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो अगर जो महिला है, जो महिला है भाई वो सोग है ना, ये लो भाई महिला है वो 152 सेंटीमीटर यहां पे होनी चाहिए। अब शारीरिक क्षमता परीक्षण की यहां पे बात करें, उम्मीदवार जो दौड़ में उत्तीर्ण होगा जिसके लिए दिनांक 1-1 जो है यहाँ पे 2024 आयु के, आयु का दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, आयु के अगर यहाँ पे दौड़ के बारे में बात करें, सो रनिंग जो है, रनिंग के रनिंग में क्या होगा, रनिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आयु जो है आप लोगों की, आयु के हिसाब से रनिंग का है। अगर आप 30 वर्ष तक हैं, आपकी आयु 20 से 30 साल है, 20 से और 30 साल तक है, तो 1600 मीटर की रनिंग होगी। यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आप लोगों को पता है, हमारे यहां एकेडमी से, हमारे इस ड्रीम एग्जाम और बाई स्टडी से काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और उन सभी स्टूडेंट जो अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बधाई भी देना चाहूंगा। यहां पर हम बात करें 1600 मीटर की रनिंग ही दिल्ली पुलिस में थी मेरे भाई, यहां पर 6 मिनट ही उसमें मिला था कांस्टेबल में, और 50-50 बच्चों का बैच बना था, 2 या 4 बच्चे पास हो रहे थे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, आपको पता है रनिंग 6 मिनट है, आप सोच के चलिए 6 मिनट तो पूरा मिलेगा यहां पे, 6 मिनट में रनिंग नहीं हो रही थी बच्चों से। आप देख लीजिए 86,000 में से कहां 8,500 के आसपास बच्चे पास हुए हैं, 80-85,000 में से 8,000-10% बच्चे पास हुए हैं फिजिकल में। तो फिजिकल नॉर्मल में, हल्के में मत लेना, तैयारी बेहतरीन शुरू कर दो आज से ही। ठीक है, 1600 मीटर 6 मिनट में। अगर आपकी उम्र 30 से 40 के बीच में है,
30 से 40 के बीच में है तो 1600 मीटर के रनिंग में आपको 7 मिनट का समय मिलने वाला है। अगर 40 से 45 है आपकी उम्र तो आपको 8 मिनट का समय मिलेगा। 45 से ऊपर है आप क्या भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 10 मिनट का समय मिलेगा 1600 मीटर को करने में। अब आ जाओ लेडीजों की बात करते हैं। अगर लेडीज हैं 20 से 30 साल तक की है तो 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट आपको समय मिलेगा, काफी समय है। इनको कोई दिक्कत नहीं है फिजिकल में, लेकिन लड़कों को दिक्कत है। 30 से 40 में आपको यहां 1600 मीटर का 9 मिनट का समय मिलेगा, 40 से 45 के बीच अगर आपकी आयु है तो 10 मिनट का समय यहां मिलेगा, और अगर भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में अगर आते हैं तो यहां पे 12 मिनट का समय आपको मिल रहा है। फिजिकल में आप लोगों का इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी हाइट और आप लोगों की दौड़। ये चीजें अगर आपने पास कर ली तो आप एग्जाम में बैठने लायक हो जाओगे। अब बात करते हैं साथियों फिजिकल कब होगा, तो मेरे भाई जो जहां तक देखो अखबारों की कटिंग आई थी उसमें यही दिया था कि फरवरी में इसके फिजिकल होंगे। वो नोटिस भी हमारे पास आया था, वो मैंने आपको पिछली वीडियो आप हमारी जाके देख लो, सब चीजें बताई गई हैं। अब यहां पे मैंने दौड़ का एक पहले ही नोटिस आ गया था कि 1600 मीटर की रनिंग आप लोगों के लिए मैंने दिखाया था कि फिजिकल में बदलाव हो गया। पहले 1000 मीटर की रनिंग होती थी, अब 1600 मीटर की रनिंग होगी। पहले समय काफी मिलता था, अब मेरे भाई समय ही नहीं मिल रहा है। पहले 1000 मीटर में यह समय था 6 मिनट का, आज 1600 मीटर में 6 मिनट का समय मिलेगा। इसका मतलब तैयारी बेहतरीन करनी है, कंपटीशन वो नहीं रहा जो पहले था, आज कुछ और है कल कुछ और होगा, तैयारी कर लो अभी मौका है, ठीक है। बाद में किस्मत पे कुछ नहीं आ, किस्मत पे फिर रोओगे बैठ के, क्योंकि मेरे भाई चाहे ये नौकरी 5 साल के लिए है, मान लो 5 साल के लिए है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ना तो सरकार की स्कीम का कुछ पता ना कुछ और। यहां पे 5 साल के बाद मान लो आज आपकी एज है वो 25 साल है, 5 साल बाद आप लोग दोबारा से होमगार्ड की जब भर्ती आएगी तो यहां पे 25 से आप हो जाओगे 30 साल के, आपका घर आने का समय होगा तब, तो यहां पे आप दोबारा उसमें अप्लाई कर पाओगे जहां पे आपको 15 नंबर के एग्जाम में छूट मिलेगी, प्लस आपको रनिंग में 1 मिनट और एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि आप 30 साल क्रॉस कर चुके हैं। तो जो साथी 25+ है उनके लिए तो ये भर्ती रामबाण साबित होने वाली है। अदर स्टेट वाले कैसे अप्लाई करें, अदर स्टेट वालों के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो हमारे चैनल पर के देख लो, इसमें मैंने एक-एक चीज बारीकी से बताई है, एक-एक चीज जो है वो बारीकी से बताई है, इन चीजों को आप फॉलो कर लेना। एक तो आपको देखो रूम रेंट एग्रीमेंट बनवा लेना है दिल्ली से, कैसा होता है वो मैं यहां पे दिखा दूं। रूम रेंट एग्रीमेंट में एक सर्टिफिकेट नंबर आता है, वो सर्टिफिकेट नंबर अगर आपके पास होगा ना तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ये सर्टिफिकेट नंबर है, और इसी के बिहा पे एक दिल्ली में बैंक अकाउंट खुलवा लो, जहां आपका रूम रेंट एग्रीमेंट के बेस पे दिल्ली में आप अकाउंट खुलवा लो, आपका काम हो जाएगा, आपका काम जो है हो जाएगा। तो मेरे भाई ये चीज अगर आपके पास है आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं। लेकिन ये ध्यान रखना ये बैक डेट का होना चाहिए 22 जनवरी से पहले का, ठीक है। जो साथी कमेंट करने वाले हैं पहले वीडियो को पूरा देखना उसके बाद कमेंट करना, कई लोग होते हैं वीडियो पूरा नहीं देखते, शुरुआत की बातों पे आके और पूरा देख लेते हैं, कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आपका कोर्स मात्र 399 में आपको मिलने वाला है। जो साथी रेडी हैं तैयारी करने के लिए वो बाय स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि यही समय है फिजिकल के तुरंत बाद एग्जाम। फिजिकल कब होगा, जल्दी का आपका फरवरी का दिया था उन्होंने अल्टीमेटम, लेकिन 13 फरवरी तक फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो आप लोगों का जो एग्जाम है वो जो फिजिकल का मतलब फिजिकल जो होगा वो मेरे भाई आपका भाई 10-15 दिन का समय तो लगेगा ना, उसको स्क्रूटनी वगैरह करेंगे जो भी करेंगे। तो आपको ये मान लीजिए कि आपका मार्च में स्टार्टिंग में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा, 10 से 15 दिन आपके फिजिकल चलेंगे। तो आप लोगों को कोई दिक्कत है नहीं, यहां पे आप तैयारी शुरू कर दो। जिनको लगता है मैं फिजिकल कर दूंगा तैयारी कर लो अच्छे से, और ऑनलाइन बैच ही अपना ले लो अभी से, क्योंकि एग्जाम में फिर समय नहीं मिलेगा। आप सोचो 1 महीने में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा, कुछ नहीं हो पाएगा, आज ही ले लो। 400 रुपए कोई माई बाप नहीं है, आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर चला गया है। ऑफलाइन आना चाहते हो तो ऑफलाइन आप ये नंबर दिए गए हैं संपर्क कर लो, कोई भी क्वायरी हो ये नंबर आपको दिए गए हैं स्पेशल, इस नंबर पर संपर्क कर लो, ठीक है। ये नंबर है आपका भाई है व्हाट्सएप 9351 78 48 38, कोशिश करना व्हाट्सएप मैसेज ही करें, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई फिर दिक्कत होती है बाद में, कॉलिंग वगैरह इतनी आती है कॉलिंग नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दें और ये लिख दें यहाँ पे सर DPHG, और जो भी समस्या है आपकी वो जो समस्या है वो समस्या लिख दो, आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। आपको संतुष्टिपूर्ण अगर जवाब चाहिए, आप चाहते हैं कि सर मुझे कॉल करनी है तो कॉल, आपको किसी भी समस्या का निवारण चाहिए तो ये नंबर आपके लिए रामबाण रहेगा, ठीक है। एक दिन में हो सकता है आज रिप्लाई ना दे पाए, कल देंगे, कल नहीं तो परसों देंगे, रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है भाई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दो, इतना सा काम कर दो, बस लाइक शेयर कर दो, क्योंकि आपके लिए अपडेट लाने का काम हमारा है, और आपका काम सिर्फ इतना है अपडेट लो, जो आपको खबर मिली है उस खबर को लो, कोई डाउट है तो कमेंट करो, नहीं तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो, और जय हिंद जय भारत, नमस्कार।